राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये जितनी बलात्कार की घटनाएं होती है ये अधिकतम घटनाएं परिवार के जनों के द्वारा ही की जाती है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान में सरकार का फोकस सरकार के काम से हटकर के कुर्सी बचाने की प्रायोरिटी हो जाने के चलते राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, राजस्थान में जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, राजस्थान में जिस तरह से सरेआम बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जयपुर जैसे शहर में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लड़कियों के कपड़े फाड़ने की घटनाएं अगर होती वहां से लेकर के जितनी घटनाएं प्रदेश भर में होती है, मिनट मिनट पर राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं होती है। राजस्थान की जनता ये मानती है कि जिस तरह की उहापोह की स्थिति है, ये उहापोह की स्थिति उनके घर में जो लड़ाई है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, कब बदलेगा, कितना बदलेगा, लेकिन ये तय बात है कि राजस्थान की जनता इस सब के चलते अपने आप के साथ में अन्याय हो रहा है ऐसा महसूस करती है, क्योंकि राजस्थान में सरकार का फोकस सरकार के काम से हटकर के कुर्सी बचाने की प्रायोरिटी हो जाने के चलते राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, राजस्थान में जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, राजस्थान में जिस तरह से सरेआम बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जयपुर जैसे शहर में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लड़कियों के कपड़े फाड़ने की घटनाएं अगर होती हैं वहां से लेकर के जितनी घटनाएं प्रदेश भर में होती है, मिनट मिनट पर राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं होती है, राजस्थान में माफिया बेलगाम हो जाता है, राजस्थान में महिलाओं के पांव काट करके मात्र इसलिए कि उनके पांव में पहने हुए पायजेब या कड़े निकाले जाएं, ये परिस्थितियां बन जाती है, और इतनी बलात्कार की घटनाएं, इतनी अत्याचार की घटनाएं होने के बाद में राजस्थान सरकार के वरिष्ठतम मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर के ये कहें कि ये बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कालिख राजस्थान के मुंह पर कोई नहीं फेर सकता था। राजस्थान जो संस्कृति का प्रदेश है, राजस्थान जो परिवार भाव का प्रदेश है, राजस्थान जो सभ्यता और सौम्यता का प्रदेश था, उस राजस्थान के समाज के मुंह पर कालिख जब राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये जितनी बलात्कार की घटनाएं होती है ये अधिकतम घटनाएं परिवार के जनों के द्वारा ही की जाती है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता इन सब विषयों को देख रही है, दर्द के साथ देख रही है, और एक एक दिन उंगली के पोर पर गिन रही है कि जिस दिन वो समय आएगा उस दिन, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में पता लगेगा, लेकिन 2023 में जब चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि उनको अपने विधायकों की संख्या समेटने के लिए एक छोटी मोटी गाड़ी से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राजस्थान की जनता जिस तरह से पिछले 4 साल के इस कांग्रेस के शासन का जी अपने साथ में धोखा हुआ हो ऐसा सर्व समाज महसूस करता है। यदि आप किसानों से चर्चा करें, युवाओं से चर्चा करें, माताओं बहनों से चर्चा करें, सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों से चर्चा करें, व्यापारियों व्यवसायियों से चर्चा करें, राजस्थान में हर एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि 2018 में हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ में ठगी हुई है, और इसके चलते राजस्थान की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का मानस बनाया। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक समाज में समाज के विषयों के साथ में जुड़ करके काम करने वाली पार्टी है। राजस्थान चुनाव का दौर शुरू होने वाला है, 1 साल बचा है, तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने स्तर पर अपने हिसाब से काम की गति को बढ़ा करके संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए, संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए, सांगठनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब उसको कोई यात्रा के रूप में देखे या और किसी रूप में देखे, मुझे लगता है ये उसकी दृष्टि की विषय है।